Hello guys, this is your health guide Dr. Shyam Mithiya. I am a practicing psychiatrist and sexologist in Mumbai. हमारी जो चैनल है इस पर बहुत कॉमनली क्वेश्चंस आते रहते हैं सेक्सुअल क्वेश्चंस, जिसके कुछ क्वेश्चंस के आज मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा. बहुत कॉमन क्वेश्चन में से एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि डज पीनिस साइज मैटर्स. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों जेंडर के लिए. मेल को बहुत बार ये डाउट रहता है कि शायद मेरी साइज़ एडिक्वेट है या नहीं है, और फीमेल को ये डाउट रहता है कि अगर उसकी साइज़ एडिक्वेट है या नहीं है उसकी वजह से मेरे को सेटिस्फैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइज़ मैटर नहीं करती. अभी 3.5 टू 5.5 इंच ये एक एवरेज साइज़ होती है आफ्टर इरेक्शन, जो हम कहते हैं फ्लैसिड साइज़ होती है जो इरेक्शन के पहले, और इरेक्टेड साइज़ होती है वो है 3.5 टू 5.5 इंचेस. अभी आप पूछेंगे कि साइज़ क्यों मैटर नहीं करती. तो जो फीमेल जेनिटेलिया होता है, फीमेल वजाइना, वो उसके जो अंदर का भाग होता है, इफ़ दिस इज़ वजाइना, इसके जो अंदर का भाग है एंटीरियर 1/3, जो अंदर का पहला 1/3 है वही प्लेजर ओरिएंटेड उसमें टच पॉइंट्स होते हैं. जो और अंदर का भाग है पोस्टीरियर 2/3, इसमें प्लेजर ओरिएंटेड पॉइंट्स नहीं रहते. तो जो इनिशियल 1/3 है उसको तो 3.5 इंच भी टच कर सकता है. इसीलिए जो एंटीरियर 1/3 है उसको 3.5 भी उतना ही सेटिस्फाई करेगा, 5.5 भी उतना ही सेटिस्फाई करेगा, और 7.5 भी इतना ही सेटिस्फाई करेगा. तो साइज़ की वजह से मेरा पार्टनर सेटिस्फाई होने वाला है ये बहुत बड़ा मिथ है. ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी मार्केट है, वो लोग अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो इसको इसी तरह मार्केटिंग करे कि आपके अगर आपने साइज़ बढ़ाई तो ही आपका पार्टनर सेटिस्फाई होगा, वरना वो सेटिस्फाई नहीं होगा. तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सेटिस्फैक्शन मैटर करता है कि आप दोनों की इंटीमेसी कैसी है, फोर प्ले कैसा है, दोनों के जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं. किसी को मैक्सिमम वुमेन विल गेट ऑर्गेजम इन फोर प्ले 80% ऑफ द टाइम, 20% ऑफ द टाइम उनको पेनिट्रेटिव सेक्स में ऑर्गेजम आएगा. तो आप ये सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, फोर प्ले पे, इंटीमेसी पे, कम्युनिकेशन पे और पेनिट्रेटिव सेक्स पे. सिर्फ साइज बड़ी करने से कोई सेटिस्फैक्शन आने वाला नहीं है. ऐसे आपको और भी दूसरे क्वेश्चंस, जो भी सेक्स रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आप हमारी चैनल पे डेफिनेटली आप ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम रेगुलरली उसको आंसर्स करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें. नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें.